हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑक्सटिक्स टेक्नोलॉजीज यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने सोचा कि आपसे एक छोटी सी और एक बहुत ही कॉमन इन्फॉर्मेशन है जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होती या वो कंफ्यूज्ड होते हैं इसके बारे में। तो आज मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ और आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँगा कि हमारे पास जो 2.1 सिस्टम होता है या 5.1 होता है या 9.1 होता है, उसको हम क्यों 2.1, 5.1 या 9.1 कहते हैं। ये तो आप लोग जानते होंगे कि जो भी सबवूफर सिस्टम होता है उसको हम इसी तरह से बुलाते हैं, ठीक है। और अब इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2.1 के बारे में, यानी कि एक 2.1 सिस्टम जो कि बहुत ही कॉमन है, आप लोगों के घरों में भी होगा, अपने अपने कंप्यूटर के साथ, LED के साथ, मोबाइल फ़ोन के साथ भी आप अटैच करते होंगे, आप यूज़ करते होंगे उसको। और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि हम 2.1 के ऊपर बहुत सारे डिज़ाइंस जो हैं वो कर चुके हैं और काफ़ी काम इसके ऊपर कर चुके हैं और ऑनगोइंग हम इस वक्त कर भी रहे हैं। तो गाइज, आप जैसे सामने देख सकते हैं हमारे पास एक 2.1 सिस्टम है एडिफायर का, जिसकी मैंने एक पिक्चर ली थी जस्ट फॉर योर आइडिया, और मैंने एक छोटी सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है आप लोगों के इस आइडिया को क्लियर करने के लिए। तो गाइज, चलिए पावर पॉइंट पर चलते हैं, इसको मैं स्लाइड शो में ले जाता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि इंटरनल जो सर्किटरी होती है वो किस तरह की होती है, हमारे पास टोटल कितने एम्पलीफायर्स होते हैं और क्या चीज़ एक सबवूफर एम्पलीफायर को सबवूफर एम्पलीफायर बनाती है। यहाँ पे हमारे पास है एम्प वन मीन्स एम्पलीफायर वन, एम्प टू, एम्प थ्री, और फिर हमारे पास आता है लो पास फिल्टर। गाइस, ये चारों चीज़ें मिलके एक 2.1 सिस्टम को बनाती हैं। मीन्स के एम्पलीफायर 1, एम्पलीफायर 2 एंड एम्पलीफायर 3, ये तो हो गए तीन एम्पलीफायर्स जो कि हम यूज़ करते हैं एक अच्छे जो हमारे पास 2.1 सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर। और उसके बाद जो मेन चीज़ होती है जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि हार्ट ऑफ ए सबवूफर एम्पलीफायर, वो होता है लो पास फिल्टर, जो कि बेस प्रोड्यूस करता है, जो कि लो फ्रीक्वेंसीज देता है हमारे एम्पलीफायर को, ठीक है। और यहाँ पे जो इनपुट्स होती हैं वो स्टीरियो इनपुट हम देते हैं 2.1 एम्पलीफायर को, तो वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि वो किस तरह से स्प्लिट अप होती है इन तीन एम्पलीफायर्स के अंदर। सबसे पहले हमारे पास लेट से एम्पलीफायर 1 के अंदर राइट चैनल इनपुट चली जाती है, एम्पलीफायर 2 के अंदर लेफ्ट चैनल इनपुट चली जाती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इनपुट्स जो जाती हैं, यही वाले जो दोनों इनपुट्स हैं राइट चैनल और लेफ्ट चैनल इनपुट्स जो होती हैं वो जाती हैं लो पास फिल्टर के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एरो लगाया है लो पास फिल्टर के अंदर, जो कि L प्लस R चैनल इनपुट मींस के लेफ्ट प्लस राइट चैनल इनपुट जो होती हैं ये दोनों लो पास फिल्टर के अंदर जाती हैं, और जो लो पास फिल्टर की आउटपुट होती है वो बनती है एम्पलीफायर 3 की इनपुट, यानी कि तीन में से जो एक एम्पलीफायर होता है वही सेम चीज़ यूज़ होती है लो पास फिल्टर के साथ, और वो फिर हमारे पास सबवूफर एम्पलीफायर बन जाता है। और गाइस, जो अच्छे सिस्टम्स होते हैं, कीप इन माइंड के जो अच्छे सिस्टम्स होते हैं, अच्छे 2.1 सिस्टम्स होते हैं, उनके अंदर जो तीनों एम्पलीफायर स्टेजेस होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैंने जितने भी डिज़ाइंस पे काम किया, आम तौर पे जो एम्पलीफायर्स होते हैं उनके डिज़ाइंस बिल्कुल सेम होते हैं, ताकि जो हमारे सर्किट्स हैं तीनों एम्पलीफायर्स के वो ट्यून्ड हों आपस में, और आपस में उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। कोऑर्डिनेशन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हमें साउंड प्रोड्यूस होगा। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि एक 2.1 सिस्टम हम जो है हमारा वो किस तरह से वर्क करता है और इसकी जो इंटरनल सर्किटरी होती है वो किस तरह की होती है। गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अभी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हमने अब काम करना है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी न्यू ईयर एंड गुड बाय।